राशनगांव जिले के डूंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल आज बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र के किसानों के साथ जिला कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के बिना अनुमति व जानकारी के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर पाइपलाइन कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि भारत सरकार पेट्रोलियम एवं खनिज मंत्रालय द्वारा मुंबई से नागपुर राजनांदगांव होते हुए झारसुगड़ा तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए राशनगांव जिले के जोहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव में सैकड़ों किसानों के खेतों को बिना किसानों की सहमति और बिना मुआवजा दिए खोदकर नष्ट कर दिया गया है। उसे लेकर क्षेत्र के किसानों में कंपनी के खिलाफ काफी आक्रोश पनप रहा है। वही विधायक ने बताया की ये मोर विधानसभा के लगभग 21-22 गाँव में जो गेल कंपनी के मुंबई नागपुर झारसुगड़ा जो पाइपलाइन बिछा थे, वो बिना पूछे बिना सहमति हमर किसान मन सब साथ में है। किसान मन से बिना सहमति ले न हमर अधिकारी मन ला पता है, न जनप्रतिनिधि पता है, न किसान मन ला पता है। वो अपन सीधा नाप के जेसीबी ला के हमर सब किसान मन के खेत ला मेड़ ला टोरे काम करत है। जी हाँ, पेड़ है वो उखाड़े काम करत है। मान लीजिए अगर कोई गांव में कोई खेत में अगर ड्रिप लगे है, वहू ला बिना पूछे पूरा नष्ट करे के काम करत है। बड़े बड़े जेसीबी के माध्यम से बड़े बड़े गड्ढा खोदा थे, ना हमारे किसान ला पता है। ये हमन मांग करे हन कि भाई ये गेल कंपनी अपन पाइपलाइन ला ले गए, लेकिन ओकर एक नियम कानून बने है कि भाई ओमे मुआवजा दे के हमारे किसान ला ओमे ओकर प्रावधान है। तो हमन चाहत हन कि हमर किसान ला 8 दिन के अंदर मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं फिर हमन सब किसान मन वहाँ काम ला बंद करा दी। हमारे किसान विधायक जी, वो अलग अलग गांव है, जैसे उधर टेमरी में 22-23 किसान हैं, ओकर बाद भर ये सलोनी से लगभग 35 किसान है, हडुआ से वही इसने 17 किसान है, ओकर बाद गिधवा से 73 किसान है। ऐसे करके अलग अलग किसान मन के जो खेत में आते वो हवे। आपने दिल्ली इसको भी चिट्ठी लिखा गेल? मैं पिछले विगत एक महीना पहले गेल कंपनी को मैंने चिट्ठी लिखा था कि भाई इसकी विस्तृत जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए, लेकिन वो नहीं कराया। लेकिन हम लोग कहीं से अपना व्यवस्था वो निकाल के कि कहाँ कहाँ कौन से किसानों का कितना कितना रकबा उसमें जा रहा है, और जो नोटिस हमारे किसानों को दिए हैं वो रकबा का रकबा को कम दर्शाया गया है ताकि उनको कम मुआवजा देना पड़े। हम चाहते हैं कि भाई 8 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाए, और जो किसानों की जो भूमि नष्ट हो रही है उसको तुरंत आज की डेट में नाप के उसको उचित मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। राशनगांव से संवाददाता विपुल कनेक की रिपोर्ट।